वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग, आयु सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल इस टाइम हो चुका है, करीब बज चुके हैं 8 सुबह के। तो अभी काफ़ी तेज़ धूप भी है आज, देखिए काफ़ी तेज़ धूप है आज। कल तो आज जो है गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है सुबह के टाइम से ही। काफ़ी खाएंगे स्प्रो और खुद भी दिखाएंगे, और बने रहिए हमारे साथ। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो कॉमेंट करके कॉमेंट जरूर बताइएगा। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा गाँव का माहौल। अभी शांत है सबके, एकदम मौसम भी सुहाना सा है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सामने कौन क्या कर रहा है। फिलहाल अभी आप मेरे साथ बने रहिए। ये है सुबह के वक्त का माहौल हमारे गांव का। अभी ये रोड जो है वो पड़ने को है, जिसकी वजह से ये रोड पड़ा नहीं है। हमने जो है वो तो अभी रोड पड़ा नहीं है, इसमें पत्थर पड़ा हुआ है इस पर। आगे अभी रोड भी पड़ेगा। तो सो गाइस, फिलहाल अभी हम जाते हैं चारा काटने भैंस के लिए। और वो सामने देख सकते हो वैनुल, और वो जा रहा चारा काटने के लिए। भाई यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल रहता है। तो ये देखिए पानी भर गया है, अभी बहुत मुश्किल से तो जा मिल रहा है। उधर से आ कैसे जाएगा पता नहीं। खेतों में होकर भाई ये देख सकते हो आप, तो सो गाइस हम देखिए हम चली चारा काट लाए भैंस का। ये पड़ा है चारा, और ये रही भैंस, ये चारा रहा, और ये से खाने में शाम। आप देख सकते हो कि पसीना आया, पसीने में तर है भाई, इतनी गर्मी है। और चारा काटना बड़ा मुश्किल काम होता है यार भाई, बहुत मुश्किल। खेत पर, और खेत पर हमने स्प्रो करना शुरू कर दिया। और ये देखो आप, स्प्रो वहाँ हो रही है और आगे हो चुकी है। तो ये रह गया बाकी, ये बार ये दवा इसमें जो बाल्टी पानी के लिए। तो भाई गर्मी इतनी है कि बता नहीं सकता मैं, खड़ा नहीं मिल रहा है यहाँ पर यार, बहुत तेज़ गर्मी है भाई। धूप देखो कभी, सूरज एकदम साफ, मौसम है तो बहुत तेज़ गर्मी है भाई, रुक नहीं मिल रहा है यहाँ पर। बस कैसी मुश्किल से, और दो टंकी बाकी रह गई हैं, दो टंकी और हो जाएँ उसके बाद भाई जाकर हवा में जाने में और दो टंकियों को। तो अभी भाई वो गया है हमारा, तो अभी वो आएगा वापस लौट कर, तो फिर टंकी भरना पड़ेगी। तो अभी मैं फिलहाल भर देता हूँ पानी। तो पानी हो गया इन बाल्टियों में ख़त्म, तो बाल्टियों में पानी भरना है जब तक वो भाई आ जाएगा। तो चलिए हम पानी भर लेते हैं पहले। तो भाई फिलहाल मेरा तो काम हो चुका है ख़त्म, और अब टोटली स्प्रे हो चुकी है। अब भाई चलना है घर पर, अब फ्रेश होना है भाई। अल अभी तो अब यार ये निकलने का रास्ता बड़ा मुश्किल है, इस मेड़ से निकलो भाई, इधर गन्ना और इधर धान गिरे मतलब। तो भाई पत्ती बहुत बुरी लगती है यार गन्ने की, काट देती है ऐसे यार ऐसे कि ब्लेड मार दिया हो इस तरीके से। तो भाई अभी लाइट भी आ गई है, तो चल कर नहाते हैं पहले, फिर भाई कुछ खाना पीना करते हैं। अरे अरे भाई मैं खाना खा के सो गया था यार, खाना खाया उसके बाद नींद आने लगी। तो अब बज रहे हैं 3:30, और अब सो के उठाऊँ और अभी चलता हूँ बाहर, देखता हूँ धूप भी काफ़ी तेज़ है अभी, तो अभी दिखाता हूँ आपको मैं। अभी आप देख सकते हो गाँव में, भी शांति का माहौल है एकदम। तो सामने आप ये रोड काफ़ी टक से पड़ रहा है, अभी तो ही नहीं पड़ा, देखो कब तक ये रोड पड़ेगा। तो सामने